नमस्कार। 16 और 17 फरवरी 2023 इन दो दिनों में संस्कृत विभाग इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय द्वारा राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित की गई। राष्ट्रीय संगोष्ठी का विषय था संस्कृत काव्यों, गीतों तथा गलत जलिकाओं यानी संस्कृत गज़लों में राष्ट्रीय चेतना। इस संगोष्ठी में मुख्य रूप से उद्घाटन और समापन सत्रों के अतिरिक्त प्रथम दिन दो विचार सत्र आयोजित किए गए तथा दूसरे दिन तीन तकनीकी सत्रों का आयोजन किया गया। और इस संगोष्ठी में मूलतः जिन हमारे विद्वानों ने अपनी प्रस्तुतियां दी, डॉक्टर मधुसूदन पेन्ना कुलपति कालिदास विश्वविद्यालय रामटेक का मुख्य वक्तव्य रहा। डॉक्टर माला प्यासी जी, आपकी विशेषज्ञता में प्रथम विचार सत्र आरंभ हुआ और डॉक्टर इला घोष जी के मुख्य आतिथ्य में उद्घाटन सत्र रहा। और इसके अतिरिक्त डॉक्टर नवनिहाल गौतम जी के वक्तव्य से संगोष्ठी का समापन हुआ। इसके अतिरिक्त डॉक्टर महेश चंद्र शर्मा जी भिलाई, डॉक्टर तोई निधि वैष्णव जी रायपुर और हमारे अन्य जो विद्वान हैं, आपने इस संगोष्ठी में अपना प्रतिभागित्व दिया। इस संगोष्ठी में कुल 25 पंजीयन हुए, 25 शोधालेखों की हमें प्राप्ति हुई, जिनमें से कुछ तो प्राध्यापकों के हैं और कुछ शोधार्थियों के हैं। मूलतः इस संगोष्ठी में स्वातंत्र पूर्व यानी स्वतंत्रता से पूर्व और स्वतंत्रता के बाद जो काव्य लिखे गए, जो मुक्तक काव्य लिखे गए, जो नाटक लिखे गए, उनकी चर्चा, उनमें राष्ट्रीय चेतना किस रूप में दिखाई देती है, उनकी चर्चा यहाँ पर उपस्थित हुई। और संगोष्ठी का मूल निष्कर्ष यही प्राप्त हुआ कि आधुनिक काल में अनेक महाकाव्य लिखे जा रहे हैं और लिखे गए। 18वीं और 19वीं शताब्दी में संस्कृत महाकाव्य और संस्कृत काव्य जगत में एक नवीन दिशा हमको दिखाई देती है, जिनमें अभिराज राजेंद्र मिश्र जी, डॉक्टर आचार्य राधा वल्लभ त्रिपाठी जी और श्रीनिवास रथ जी और पद्मश्री, जो अभिराज जी भी पद्मश्री के रूप में सम्मानित हैं, पद्मश्री स्वर्गीय आचार्य रमाकांत शुक्ल जी, आपके काव्यों में जो राष्ट्रीयता का स्वर दिखता है, भाति में भारतम या शालीना भारत जनता हम, ये अत्यंत अनुकरणीय है। और कई ऐसे काव्य लिखे गए हैं, भवानी भारती जो कि अरविंद, महर्षि अरविंद का काव्य है, उसमें साक्षात भवानी राष्ट्रीयता के स्वर को उजागर करती है। और ऐसे नवीन काव्यों में शोध दृष्टि की आवश्यकता है, शोध दृष्टि होनी चाहिए, क्योंकि संस्कृत जगत का साहित्य अत्यंत समृद्ध है, पहले भी था और आज भी साहित्य लिखा जा रहा है, लेखनी कहीं रुकी नहीं है। और संगोष्ठी का निष्कर्ष यही है कि राष्ट्रीयता से ओतप्रोत कई गज़लें लिखी जा रही हैं, कई गीत लिखे जा रहे हैं, कई काव्य लिखे जा रहे हैं, बस उनमें शोध की आवश्यकता है। और इस तरह से हमारी ये राष्ट्रीय संगोष्ठी सफल रही, क्योंकि इस राष्ट्रीय संगोष्ठी में केवल हमने संस्कृत विभाग के विद्वानों के वक्तव्य नहीं सुने, अपितु सांगीतिक प्रस्तुतियां भी रही। सांगीतिक प्रस्तुति रही ताल के रूप में, पंचचामर छंद में, जिसमें हमारे विश्वविद्यालय के तबला विभाग के डॉक्टर हरिओम हरि जी का अत्यंत योगदान रहा। गायन विभाग में प्रोफेसर नमन दत्त जी के निर्देशन में विद्यार्थियों ने कार्यक्रम तैयार किए। उषा कालह एक लघु नाटिका की प्रस्तुति की गई, जो हमारे थिएटर विभाग के सहयोग से, डॉक्टर योगेंद्र चौबे जी, चैतन्य आठवले जी के सहयोग से ये प्रस्तुति रही। और इस तरह की प्रस्तुतियां हमारे इस संगोष्ठी का मूल आधार रही। संगोष्ठी के उद्देश्य कथन के आधार पर निष्कर्ष अनुकरणीय रहा। और धन्यवाद, नमस्कार।